मंगलवार को नगर निगम मंडी के सभागार में आयोजित बैठक में निगम का चौथा बजट प्रस्तुत किया गया। वहीं निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया। निगम के पार्षदों व कर्मचारियों की मौजूदगी में निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर निगम मंडी 28 अक्टूबर 2020 को अस्तित्व में आया। नगर निगम मंडी का ये चौथा बजट है और उनके कार्यकाल का ये पहला बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम वार्ड पार्षदों के अनुमोदन पर हर वार्ड में विकास योजनाओं पर 1 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट में प्रावधान रखा गया है। निगम क्षेत्र में व नए सम्मिलित क्षेत्रों में गृह कर व व्यवसायिक कर से संबंधित सर्वे इस वित्तीय वर्ष से करवाया जाएगा। इससे निगम के अंतर्गत आने वाले सभी संपत्तियों का ब्यौरा भी उपलब्ध हो जाएगा और इससे निगम की आय में 2.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। नगर निगम मंडी के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि हर वर्ष आपदा से निगम के क्षेत्रों में लाखों की संपत्ति का नुकसान होता है, जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते। आपदा के दौर में किसी संस्था के लिए अचानक वित्तीय प्रबंधन करना कठिन हो जाता है, इसीलिए आपदा की स्थिति से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि निगम की सुविधाओं को ऑनलाइन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निगम की आय में बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिसके तहत खाली जगहों पर दुकानों का निर्माण किया जाएगा और नियमानुसार उनकी नीलामी की जाएगी। गृह कर और घर घर कूड़ा एकत्रीकरण के तहत बकाया राशि को भी वसूला जाएगा। निगम क्षेत्र और नए सम्मिलित क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा के लिए 1 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 50 करोड़ के अतिरिक्त बजट की मांग सरकार से की जा रही है। हर वार्ड में संबंधित पार्षद के अनुमोदन पर विभिन्न विकास कार्यों की योजनाओं में लगभग 1 करोड़ प्रत्येक वार्ड में खर्च करने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर सभी वार्डों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान इसके लिए अंतर्गत रखा गया है, जिसमें कि सड़कों की मरम्मत नवीनीकरण, नालियों की मरम्मत नवीनीकरण, तटों व पुलों का निर्माण व नवीनीकरण, शहर का सौंदर्यकरण व मंडी नगर निगम एवं सम्मिलित क्षेत्रों में रेंज सेंटर बनाने हेतु व्यय किया जाएगा। गृहकर का सर्वे मंडी नगर निगम व नए सम्मिलित क्षेत्रों के सभी घरों एवं व्यावसायिक भवनों के सर्वे का कार्य एजिसेक को दिया गया है। इस सर्वे का कार्य इस वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। इससे नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों का ब्यौरा भी उपलब्ध हो जाएगा तथा निगम की आय में लगभग 2.5 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। वार्डों में जहाँ जहाँ छोटी गलियां हैं वहां भी स्ट्रीट लाइट लगवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए लगभग 1 करोड़ की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष नालों व पुलों के तटीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें बावड़ियों की मरम्मत और सौंदर्यकरण का कार्य भी किया जाएगा। हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं मुख्यतः बारिश व भूस्खलन के कारण नगर निगम मंडी को लाखों रुपए का नुकसान होता है, जिससे हम पहले से तैयार नहीं होते। किसी भी संस्था के लिए अचानक वित्तीय प्रबंधन मुश्किल हो जाता है, अतः ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक निधि का प्रस्ताव रखता हूं। इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम मंडी और सम्मिलित क्षेत्रों को में वर्ष 2023 में जुलाई व अगस्त माह में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के लिए 36 करोड़ रुपए के अनुमोदन की सरकार से अलग से मांग की जा रही है। अभी तक हमारी 4 सुविधाएं जैसे जन्म मृत्यु पंजीकरण, नक्शों को पास करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण उपलब्ध है और शीघ्र ही उसमें कुछ और सुविधाएं जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस वर्ष यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ गृह कर लेने का कार्य भी ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन अब भी उसमें कुछ कमियां है, जैसे कि पेमेंट जमा करवाने के बाद भी रसीद लेने के लिए लोगों को कार्यालय में आना पड़ता है, जिसको ठीक किया जा रहा है ताकि जनसाधारण को घर बैठे गृह कर जमा करवाने की सुविधा मिल सके। पार्किंग और पार्कों को बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा पार्किंग और दुकानों का निर्माण PPP मोड के तहत भी किया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग सरकार से की जाएगी। व्यावसायिक परिसर मंडी नगर निगम के अंतर्गत व्यावसायिक परिसरों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नए व्यावसायिक परिसर बनाने से निगम की आय में बढ़ोतरी होगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा 20 करोड़ की अतिरिक्त मांग सरकार से की जा रही है। खाली जगहों पर दुकानों का निर्माण कर नियमानुसार नीलामी की जाएगी। गृह कर और घर घर से कूड़ा एकत्रण की यूजर फीस की बकाया राशि को भी वसूला जाएगा। नए सम्मिलित क्षेत्रों 4 लेन इत्यादि में होर्डिंग लगाकर आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। सीवरेज व्यवस्था
नगर निगम मंडी व मर्ज एरिया नए सम्मिलित क्षेत्रों को सुविधा देने के लिए सीवरेज योजना वो लाइन की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा 50 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग सरकार से की जा रही है। नगर निगम व नए सम्मिलित क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वर्ष 2023-24 में लगभग 2,29,00,000 रुपए विभिन्न मदों से खर्च किए गए हैं। इस वर्ष इस मद में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वृंदावन स्थित डंपिंग साइट में गीला कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु 33 कंपोस्टिंग पिट बनाए गए हैं। साथ 25,000 टन गीला कचरा का निष्पादन लिगेसी बेस द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 1,000 किलो प्रति घंटा की क्षमता से सैनिटर मशीन गोविंद घाट में लगाई गई है, जिससे कि MLP को काटकर सीमेंट प्लांट को भेजा जा रहा है।